हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं जी। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बालाजी क्लासेस अतुल वाजपेयी में। गाइस, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। गाइस, हिस्ट्री का गाइस ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है गाइस। तो इस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे गाइस? सीमावर्ती राज्य वंशों का अभ्युदय। गाइस, ये प्राचीन भारत की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद प्राचीन भारत के जो है ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक। इसके प्राचीन भारत के कुछ स्टार्टिंग के वीडियो बचे थे, हमने बौद्ध धर्म से स्टार्ट किया था, पूरा लेके आए हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है प्राचीन भारत का गाइस। तो गाइस से क्या बचा हुआ है अभी हमको गाइस, जो है स्टार्टिंग तक का थोड़ा सा पढ़ना है गाइस, जो है वैदिक कालीन सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता, ये चीज़ें गाइस एक दो क्लासें और होंगी, बाकी जो है पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय। गाइस, सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय, इसमें क्या होता है गाइस, छोटे छोटे जो राजवंश थे उनके विषय में कहानी देखेंगे, फिर प्राचीन भारत का कहाँ से अंत होता है ये देखेंगे गाइस, कहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, सारा आज इस वीडियो में देखेंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से क्लियर आ रहा है, ठीक। बात होती है गाइस, कहानी शुरू होती है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो गाइस, सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है पाल वंश से। कहाँ से गाइस? पाल वंश से। पाल वंश का एक शासक होता है जिसका नाम गोपाल होता है, जो 750 ईस्वी में जो है गोपाल वंश चला करता है पाल वंश, और इसकी राजधानी होती है, ठीक। पाल वंश का प्रमुख सबसे महान शासक धर्मपाल होता है, इसीलिए इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इसके लिए गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मार्क कीजिए और वन लाइनर नोट कीजिए कि पाल वंश के प्रमुख संस्थापक धर्मपाल जी थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप हो रहा है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गाइस, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल जी ने की थी। क्वेश्चन एक ये भी पुट अप हो सकता है कि धर्मपाल जी का संबंध किस वंश से था? तो उनका संबंध पाल वंश से था। दैट्स ऑल क्लियर गाइस। आगे चलते हैं। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गाइस। जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म का पालन करते थे गाइस? बौद्ध धर्म को मानते थे पाल वंश के शासक, ठीक गाइस। आगे क्लियर करते हैं, ठीक गाइस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आगे बात करते हैं गाइस। पाल शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो उनका वंश खत्म हो गया, ठीक गाइस। अब नेक्स्ट कहने में गाइस, स्टार्टिंग में कह दिया कि बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस वंश हैं, ठीक है। इसमें आगे बात कीजिए, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी, और इसकी राजधानी नदिया थी, लखनऊ थी, और लक्ष्मण सेन इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट गाइस कि लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो गाइस, इससे ये क्लियर होता है कि जो है अंतिम हिंदू शासक किस वंश से रिलेटेड था, तो ये होगा सेन वंश से, ठीक गाइस। पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, वन लाइन में नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस, आगे बात किया जा रहा है गाइस, कश्मीर के राजवंश कहाँ के बढ़ेंगे गाइस? अब कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट जो राजवंश हैं उनके विषय में देखेंगे। तो कश्मीर के राजवंशों का क्रम क्या है गाइस, देख लेते हैं। पहले है कारकोट वंश, क्या नाम है? कारकोट वंश, फिर उत्पाल वंश, ठीक, फिर उसके बाद लोदी वंश है, ठीक है। 627 ईसा पूर्व ने दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने, किसने गाइस? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ फिर स्टार्ट करके नोट करना है। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश, यानी जो कि हिंदू वंश था, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू वंश की स्थापना की थी। तो गाइस, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कश्मीर के जो राजवंश थे हिंदू राजवंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो क्या नाम है? दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। और कैसा वंश था? एक कारकोट वंश, एक हिंदू वंश था। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर यात्रा की, जो एक चीनी यात्री था जिसका नाम हेन सांग था, कश्मीरी उसी के समय कश्मीर का राजवंश जब चल रहा था, दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति था उसी के समय, उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। दैट्स ऑल क्लियर। आगे गाइस बात करते हैं, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासन ललिता दिव्य, ठीक है, और मुक्तापीड था, जिसका पूरा नाम ललिता दिव्य मुक्तापीड था, कारकोट वंश से। और कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है। कामरूप का वर्मन वंश, अब आगे हैं गाइस, कामरूप का वर्मन वंश, इसका संस्थापक था पुष्य वर्मन और राजधानी थी प्रज्ञ ज्योतिष, क्या राजधानी थी? प्रज्ञ ज्योतिष नामक स्थान पर थी। दैट्स ऑल क्लियर गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बात की बहुत छोटे छोटे, अब यहाँ से फिर से गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना होगा कि जो है
राजवंशों की उत्पत्ति पे देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ से थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना होगा, अच्छे से क्लियर करना होगा। तो ठीक है, हम माइंड को कंसंट्रेट करते हैं और अच्छे से देखते हैं। सब अगला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक कहाँ गाइज, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम, कौन था मालवा का शासक, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, शक्तिशाली राजा इसके जो थे मिरीह भोज, इसके शक्तिशाली राजा कौन थे, मिरीह भोज थे। किस वंश की बात कर रहे हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे, मिरीह भोज थे। मिरीह भोज ने अपनी राजधानी क्या बनाई गाइस, कन्नौज। कौन सी राजधानी बनाई गाइस मिरीह भोज ने, कन्नौज बनाई। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जो 1036 ईस्वी, कब गाइस 1036 ईस्वी में था। आगे दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल, क्या है गाइस, यस गाइस अनंगपाल ने 11वीं सदी के माध्यम में की थी। तो गाइस ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से पूछा क्वेश्चन पुटअप होगा, ये आता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली नगर की स्थापना किसकी, दिल्ली नगर की स्थापना किसमें की थी, तो किसने की थी, तोमर नरेश अंगनपाल, तोमर नरेश अंगनपाल ने की थी 11वीं सदी के मध्य, कब 11वीं सदी के मध्य। ओके गाइस क्लियर हो गया गाइस, ठीक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे बात की जाएगा इस स्लाइड में, तो मिरीह भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, कौन था इस वंश का अंतिम शासक गाइस, यशपाल जी थे। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगनपाल के 11वीं सदी में की थी, क्लियर हो गया है। अब देखते हैं गढ़वाल वंश, जिसे कि राठौर राजवंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक चंद्रदेव था। तो राठौर राजवंश संस्थापक कौन था, संस्थापक चंद्रदेव था, और राजधानी वाराणसी थी यानी कि काशी, दैट्स ऑल। आगे बात की जाते हैं, आगे अगले वंश की बात करते हैं, ठीक है, इस आगे देख लेते हैं। ठीक, गढ़वाल वंश थी, आगे लिखा है इसका शक्तिशाली राजा, गढ़वाल वंश का शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था, कौन था, गोविंद चंद था। पृथ्वीराज तृतीय, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ मार्क बनाइए, हैज बना लिए, स्टार बने, कैसा भी, पृथ्वीराज तृतीय, कौन, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मध्यकालीन भारत में इसको हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ ये देख लेते हैं कि किसने किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। अंतिम शासक जयचंद था, जिसने इंपॉर्टेंट, फिर पुटअप हुआ, स्टार बनाइए, अंतिम, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, ये क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, अंतिम शासक जयचंद, अंतिम शासक कौन था, जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला। क्लियर गाइज, तो गाइज फिर से इसको एक बार रिवीजन करेंगे कि अंतिम गाइज, एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं, ठीक गाइज, कि गढ़वाल वंश जो था राठौर राजवंश था, इसका अंतिम शासक कौन था गाइज, इसका अंतिम शासक था जयचंद, कौन था, जयचंद, जो मोहम्मद गोरी के हाथों 1194, ये डेट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला गया, किसे, जयचंद गोरी से हार गया चंदावर का युद्ध में। ठीक गाइस क्लियर, कब, 1194 1194। अगला आ गया है चौहान वंश, जिसे चौहान वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक था वासुदेव तथा राजधानी थी अहिछत्र, ठीक है, बाद में अजय राम सेकंड ने इसे जो है अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी भी बनाया। इसका जो संस्थापक वासुदेव था तो उसके समय तो राजधानी अहिछत्र थी, लेकिन बाद में जयराम द्वितीय ने किसने, सर अजयराम द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की, तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की, अजयराम द्वितीय ने, और इसको राजधानी भी बनाया, कहाँ की राजधानी, चौहान वंश की यानी चौहान वंश की, दैट्स ऑल। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णो राज था, कौन था गाइज, अर्णो राज था, जिसे विग्रहराज चतुर, क्या, विग्रहराज चतुर तथा विशलदेव 1153 से 1163 तक था। इसने हरकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की, तो क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि हरकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की, तो विग्रहराज और विशलदेव नाम के व्यक्ति ने, ठीक है गाइज, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे अर्णो राज भी कहा जाता था। आगे लिखा है यहाँ फिर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो कई बार ही पूछा गया है, ठीक है, कंप्यूटर जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ अगर इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा बड़ा लिख लीजिए, IMPORTANT, ठीक, IMPORTANT,
इम्पॉर्टेंट, TNT, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद, ठीक है, इस अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद मस्जिद शुरू में विग्रह विग्रह चतुर्थ किसके गए, विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित की गई। दैट्स ऑल। अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा? विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, निर्मित एक विद्यालय था, जो कि क्या था? एक विद्यालय था। यस, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्या था? एक विद्यालय था। अगला लिखा है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासन था। किस वंश की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस? अभी आपको हम लोगों ने बताया कि हम लोग चौहान यानी कि चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस? चौहान, जिसे चौहान वंश कहता है, इसके बारे में पढ़ते। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। दैट्स ऑल। फिर यहाँ से अब यहाँ से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट बनते चले जाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, डोट नोट कीजिए, 1191। ठीक, अभी इसके पहले जो देखा मोहम्मद गोरी वाला, वो कब हुआ? 1194, 1194। लेकिन तराइन के तीनों युद्ध आपको याद रखने होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसका सीक्वेंस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। पृथ्वीराज की तृतीय और गौरी की क्या हुई? हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ। गौरी क्या हुआ? गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, जबकि जिसमें पहला जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। जिस पर टिक कर रहे हैं गाइस, उसकी विजय हुई। जिस पर टिक कर रहे हैं, क्या हुई? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है गाइस, तृतीय युद्ध में 1192 1192, जिसमें गौरी की विजय, किसकी विजय? गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। पहले जो था 1194, दैट्स ऑल। यस गाइस, देखिए फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, जिससे रिवीजन हो जाए। ठीक गाइस, देख लेते हैं एक सेकंड ना गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक जयचंद था, जिसके गौरी के हाथों 1194 में हारा था। ठीक है, जयचंद, ठीक है, चंदावर का युद्ध था। कस करा था? चंदावर का, 1194। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक, तो पहला कब हुआ था? फिर से एक बार रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कई बार रिवीजन। 1191 में हुआ था पहला तराइन का पहला युद्ध, पृथ्वीराज की विजय, गौरी की हार। दूसरा युद्ध 1192, 91 और 92, पहला 91 दूसरा 92, जिसमें गौरी की विजय और तृतीय की हार। उल्टा हो गया ना। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बात करते हैं भाई। परमार वंश, किसकी बात की जा रही है? परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन था? उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी तथा प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। कौन सी इससे पहले राजधानी? उज्जैन थी। शक्तिशाली शासक राजा भोज, यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट हुआ, शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज। इसे भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण, शक्तिशाली शासक राजा भोज ने इनसे भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील के निर्माण कराया था। वो कहावत सुनी होगी कि राजा भोज और गंगू तेली, तो वही राजा भोज है गाइज। ठीक है, तो परमार वंश का अंतिम शासक का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। ठीक है, तो उपेंद्र राज जी से क्या किया? राजा भोज जी ने भोपाल में एक भोजपुर, दक्षिण भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। इसने कविराज उपाधि धारण की थी। किसने गाइस? उपेंद्र राज ने कविराज उपाधि धारण की, उपेंद्र राज ने, और तथा उसने सरस्वती मंदिर निर्माण कराया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? उपेंद्र राज ने। दैट्स ऑल। यहाँ से ये जरूर इंपॉर्टेंट है, राजा भोज जी ने जो एक झील का निर्माण, राजा भोज जी ने क्या किया था? एक झील का निर्माण कराया था। ठीक है गाइस, किससे? उपेंद्र राज से। दूसरी बात, उपेंद्र राज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण किया। दूसरी बात, कविराज की उपाधि भी धारण की उपेंद्र राज ने, और इसका संबंध किससे था? परमार वंश से। दैट्स ऑल। क्लियर, क्लियर गाइस। नेक्स्ट स्लाइड आगे देख लेते हैं गाइस। परमार वंश के बाद तोमर, क्या बात कही थी? परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद चहयान वंश, और अंततः 1272 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नफरत खां और उलुक खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया।
अब गाइस प्राचीन भारत पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, अब मध्यकालीन भारत की ओर हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक, हाई स्पीड में। तो क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा मध्यकालीन भारत के कुछ लोगों के नाम जानेंगे, उनके विषय हम सीखते रहेंगे। तो परमार वंश के बाद तोमर वंश, परमार वंश चल रहा था, उसके बाद तोमर वंश आया, तोमर वंश के बाद चहगान वंश आया। इस वंश का अंतिम शासक ने 1272 ईस्वी में, किसने, 1297 गाइस, अपने शब्द वापस लेता हूँ, सॉरी गाइस, 1297 ईस्वी में, कब, 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, कौन गाइस, 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, कौन गाइस, अलाउद्दीन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नफरत खां, सेनापति नफरत खां और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर दिया, मालवा पर अधिकार कर लिया और परमार वंश पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आगे बात करें तो गाइस ठीक क्लियर हो रहा है, आगे बात की जाए गाइस तो चंदेल वंश, किसकी, चंदेल वंश, जो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल शासन प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है, किसका, बुंदेलखंड का पुराना नाम, इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है गाइस, लर्न कर लीजिए, जेजाक भुक्ति है। इस वंश का संस्थापक नन्नुक, कौन गाइस, नन्नुक, जो कि 1831 ईस्वी, कब, नन्नुक 1831 ईस्वी, ठीक गाइस क्लियर होता है। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जेजाग मुक्ति, ठीक है। प्रतिहार साम्राज्य का पतन बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश आया, प्रतिहार खत्म हुआ तो कौन सा आया, चंदेल शासक प्रारंभ हुआ। चंदेल वंश देख लेते हैं, चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड पर चंदेल प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, चंदेलों की राजधानी थी खुजराहो, चंदेलों की राजधानी क्या थी, खुजराहो थी। पहले इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी, दैट्स ऑल। तो कौन सी राजधानी थी चंदेलों की, खुजराहो, और पहले कलिंजर महोबा। आगे गाइस देखते हैं, राजा धंग, किसकी बात कर रहे हैं गाइस, राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंगर को खुजराहो से स्थानांतरित की थी, यानी बदला था, स्थानांतरित मतलब कि अगर बदलना, तो राजा धंग जी ने अपनी राजधानी को कलिंगर से कहाँ ले गया, खुजराहो ले गया, ठीक गाइस। अपना सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर ने, कौन था चंदेल शासक, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया। देखते हैं, चंदेल शासक कौन से, विद्याधर ने, चंदेलों का शासक कौन था, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक, कन्नौज के कौन, प्रतिहार शासक जय राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण के सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गलत, आपको सामना करना चाहिए, सामना करते करते युद्ध में लड़ जाना, यही जो है एक क्षत्रिय की पहचान होती है ना। आगे गाइस आगे देखता है, आल्हा उदय के विषय में क्या लिखा गया है, आल्हा उदय नामक दो सेनापति परम आदिदेव के दरबार में रहते थे, किसके देव में, परमादिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वी राज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई, ये असली था, है ना, इसे कहते हैं असली, किसने, पृथ्वी राज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी, किसने, आल्हा और उदय, ठीक है। आगे लिखा है, आगे देखते हैं, अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202, कब, परमादिदेव ने 1202 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट स्टार्टिक मोस्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और पर उसने अपने मंत्री अजय देव की हत्या कर दी, क्या किए, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर ली, उसके हाथ में उसके जो है मतलब जो है सामने झुक गया, लेकिन अपने मंत्री अजय देव की हत्या कर ली। कौन अंतिम शासक था जो उनके ने, परमादिदेव ने, कब, 1202 ईस्वी में, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश शुरू होते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, सोलंकी वंश संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम था, जिसकी राजधानी अहिलवाह थी, क्यों थी, अहिलवाह, दैट्स ऑल, क्लियर गाइस, ठीक गाइस। अब पूछ लेते हैं थोड़ा सा अभी पढ़ के आए हैं, जो आप बताइएगा कि पहला युद्ध किसका, पहला तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191, ठीक है। किसके किसके मध्य हुआ था गाइस, ये भी बताइए, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य, और कौन जीता था, कौन जीता था बताइए गाइस कमेंट बॉक्स में, और दूसरा हुआ था 1192 में, और गाइस इसमें कौन जीता और कौन हारा था कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे बात करते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश, ये तो पढ़ लिया ना। सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था जिसकी राजधानी अहिल्वाह थी। आगे लिखा है शैव धर्म का अनुयायी था। सोलंकी वंश किस धर्म को मानते थे? शैव यानी कि शिव की उपासना। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोन मंदिर, यस गाइस, किस पे? सोन मंदिर पर आक्रमण किया। फिर इंपॉर्टेंट धरो को उठाओ, क्या करो, इसको उठाते हैं यहाँ से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? ओके गाइस, क्लियर करते हैं। भीम प्रथम ने सामंत, क्या लिखा है? भीम प्रथम ने सामंत विमल ने आबू पर्वत पर, ठीक है, क्या हुआ गाइस? आबू पर्वत पर देख लेते हैं गाइस, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। आबू पर्वत पर क्या क्या? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। प्रथम शक्तिशाली शासक अजय सिंह सिद्धराज, कौन था प्रथम शक्तिशाली शासक? अजय सिंह सिद्धराज था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने संतों पूर्वजों और गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। तो क्या क्या किया था? फिर से इसका शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था जिसने माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर, क्या बनाकर गए? इसे मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों, अपने पूर्वजों की, किसने? जय सिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों के गजारोहण मूर्तियां बनवाई थी, स्थापना की थी। मुडेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों ने कराया था। मुडेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी शासकों ने कराया था। तो अभी इसके एक वीडियो पढ़ चुके हैं, इसकी पहले वाली वीडियो का आंसर ये बताइए, आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों के समय किस एक बड़ी चीज़ का निर्माण हुआ था, कौन सी घटना हुई थी, उसका आंसर बताना है। आगे अंतिम शासक भीम सेकंड था, अंतिम शासक कौन था? भीम सेकंड था, ठीक है गाइस। यहाँ तक कहानी ख़त्म होती, आगे चलते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं तो बस छोटे छोटे दो वंश बचे हुए हैं, ठीक। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था बघेल वंश का कर्ण द्वितीय, बघेल वंश का कौन? कर्ण द्वितीय जो अंतिम शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का मुकाबला किया था, यस गाइस, मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी वंश, कलचुरी वंश के संस्थापक कोककल थी और उनकी राजधानी त्रिपुरी थी। शक्तिशाली शासक गांगेदेव, कौन था? गांगेदेव था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है गाइस। अगला लिखा है चुरी, सबसे महान शासक, चुरी वंश का सबसे महान शासक जो कौन था? कर्णदेव था। और चुरी यानी कि चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था। सिसोदिया वंश पहुँच चुके हैं हम लोग, किसमें? सिसोदिया सूर्यवंशी कहते थे, क्या कहते थे? कि हम लोग सूर्यवंशी हैं। आगे बात कीजिए, यहाँ फिर इंपॉर्टेंट एक युद्ध मिल गया है, सारे युद्ध इंपॉर्टेंट मिलते हैं, उठाते जाइए, धर लीजिए इनको, हाँ, वनलाइनर में। खतौली का युद्ध 1815 में, किसका? खतौली का युद्ध 1815 में राणा सांगा और लोधी के मध्य हुआ था, किसके मध्य? राणा सांगा और लोधी के मध्य हुआ था। गाइस दैट्स ऑल, यहाँ से क्लियर, हमारा प्राचीन भारत पूरा खत्म। अब मध्यकालीन भारत में सारे युद्ध एक लाइन से देखेंगे। अगर गाइस आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, धर दीजिए सब्सक्राइब पे बटन और लाइक बटन प्रेस करके शेयर पे मार दीजिए, व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दीजिए, ठीक गाइस। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत में मिलेंगे और चीर देंगे, ठीक गाइस। अच्छे से तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक बटन करना।